जिंदगी में अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग चीजें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। 60 का होने पर अगर आपके लिए वही चीजें महत्वपूर्ण हैं जो 18 में थी, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में कहीं नहीं पहुंच रहे हैं ना। चीजों को बदलना चाहिए। बस एक पीढ़ी पहले तक ही आपको शादी, बच्चों और बाकी सबके बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता था। अब हमारी शिक्षा प्रणाली बस यहाँ उद्योग और व्यापार की सेवा के लिए है, इंसानों की सेवा के लिए नहीं। हमारी शिक्षा बहुत बढ़िया इंसान बनाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैनेजर, सुपरवाइजर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए है। You're just a cog in the economic machine. आप बस आर्थिक मशीन का एक छोटा सा पुर्जा है जो काम कर रही है। तो कल सुबह बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रणाली को बदलना मुमकिन नहीं है, पर आप अपने और अपने बच्चों के लिए इसे बदल सकते हैं अगर आप इच्छुक हो। वर्णाश्रम धर्म जैसी एक चीज हुआ करती थी जो जीवन के चार पड़ावों के लिए एक इंसान को तैयार करती थी। पैदा होने से 12 साल तक बाल्यावस्था कहलाता था। उस दौरान एक बच्चे को कुछ नहीं करना चाहिए, उसे बस खाना, खेलना और सोना चाहिए। कोई ABC नहीं, कोई 1-2-3 नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि दिमाग के एक खास आकार तक खेलने से पहले उसमें किसी भी तरह की जानकारी भरना या कोई उद्देश्य डालना, उसमें किसी भी तरह का उद्देश्य डाल देना, उसके पूर्ण आकार तक विकसित होने की संभावना को खत्म कर देगा। भारत में, शायद हर जगह, आम के किसानों में एक विशेष प्रक्रिया होती है। आप देखेंगे कि अगर आप आम के पौधे लगाएं तो दूसरे साल तक कसल में आम के पेड़ या पौधों में फूल आने लगते हैं। आपने इस पर गौर किया है? दूसरे या तीसरे साल में पक्का वो फूलों से लदा होगा। तो जागरूक आम का किसान जनवरी फरवरी के महीने में जाकर सारे फूल तोड़ देगा ताकि वो कभी फल न बने। पर अगर आप एक तिमाही बैलेंस शीट रखने वाले आदमी हैं तो आप फूलों को गिनेंगे और कहेंगे, ठीक है, यहां मैं 150 आम देख रहा हूं, 150 आम गुणे 10 रुपए, 1500 प्रति पेड़, मेरे पास 10,000 पौधे हैं, आप उनमें फल लगने देंगे। वैसे भी उनमें बहुत अच्छे फल नहीं आएंगे, शायद फल आ भी जाएं, पर अगर आप ऐसा करेंगे तो वो पेड़ कभी अपने पूरे आकार तक विकसित नहीं होगा, ये कभी अपनी पूरी क्षमता नहीं पाएगा। तो पौधों के लिए भी हमें पता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि बच्चों के लिए हमें नहीं पता? हमें पता है, पर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पड़ोसी के बच्चे से थोड़ा बेहतर हो जाए। ये हमारी बड़ी गंभीर बीमारी है। Yes. हमारी समस्या यह है कि हमारी पड़ोसी के बच्चे पहले से ही कह रहे हैं, 3 साल का बच्चा कहता है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो इसका मतलब है कि आप पूरी दुनिया को बीमार देखना चाहते हैं। एक 3 साल का बच्चा अगर वो कहता है मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो सब लोग, अरे मेरे पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बनना चाहता, सुनो तुम क्या बनना चाहते हो? मुझे नहीं पता। कुछ तो कहो। ये शिक्षा प्रणाली की बीमारी नहीं है, ये वो बीमारी है जो समाज में घुस चुकी है। शिक्षा प्रणाली तो बस उस जरूरत को पूरा करना चाह रही है। एक बार ऐसा हुआ, मैं चेन्नई में एक कार्यक्रम कर रहा था और हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग कुछ शेयरिंग करने के लिए कह रहे थे। एक आदमी एक बड़ा दुखी चेहरा लिए, वो बोलते हैं, मेरी बेटी अपना होमवर्क नहीं करती, मैं उसके भविष्य के लिए बड़ा चिंतित हूँ, उसका क्या होगा, मैं कैसे ना, उन्होंने इतनी सारी बातें कही। मैंने सोचा शायद उनकी लड़की कॉलेज जाने वाली होगी, उसे कोई समस्या होगी, ठीक है। तब मैंने पूछा, आपकी बेटी कितने साल की है? उन्होंने कहा 4.5 साल की। अरे मैंने कहा, अरे बेवकूफ। पहली बात तो उसे स्कूल ही नहीं जाना चाहिए।
अब आपको चिंता हो रही है कि वो अपना होमवर्क नहीं करती है, और आपको उसके भविष्य की चिंता है, उसे कैसी नौकरी मिलेगी, कौन उससे शादी करेगा, यू नो। इसलिए हमें समाज में इस चलन को बदलने की जरूरत है, कम से कम आपके जीवन में, कि आपके बच्चे प्रोडक्ट्स नहीं है। वो कब कुछ उत्पादन करेंगे? नहीं, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आपके बच्चे आपके माध्यम से आए हैं, वो आपसे नहीं आए हैं, वो आपके नहीं हैं, वो आपके माध्यम से गुजर रहे हैं। आपको अपने सौभाग्य की तारीफ करनी चाहिए कि वो आपके माध्यम से आए हैं, बस इतनी सी बात है। ये मत मानिए कि वो आपसे आए हैं, आपका उन पर कोई अधिकार नहीं है। आपका काम उनकी सुरक्षा करना, उनका पालन पोषण करना, जब तक कि वो एक निश्चित स्थान तक नहीं पहुंच जाते, जब तक कि वो खुद नहीं समझ जाते कि ये कैसे करना है, बस इतना। आपका काम ये देखना नहीं है कि आप उनसे कितना निचोड़ सकते हैं, क्या कल वे आपके व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, क्या वो चीजें करेंगे जो आप करने में असमर्थ हैं। नहीं, ये इस बारे में नहीं है। तो ये वर्ण आश्रम धर्म इस तरह था। 12 साल पर आपकी बालावस्था खत्म हो जाती थी, अब आपका ब्रह्मचर्य शुरू होता था 12 से 24 तक। 12 साल का अनुशासन और सीखना, तो इससे पहले कि आपको शिक्षा से शक्ति मिले, आपको हमेशा ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया जाता था। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप, ब्रह्मन का मतलब है परम सत्य, चर्य का मतलब है मार्ग, आप परम तत्व के मार्ग पर हैं। इसका मतलब आप हिस्सों में नहीं बंटना चाहते, इसका मतलब आप तुम और मैं के मार्ग पर नहीं हैं, आप पूर्ण समावेश के मार्ग पर हैं। हर चीज को खुद में शामिल किए बिना आपको शिक्षा की शक्ति नहीं दी जानी चाहिए, आपको अनपढ़ ही रहना चाहिए, यही सबसे अच्छा है, क्योंकि शिक्षा को एक शक्ति देने के तौर पर देखा जाता था। अगर आपको शक्ति दी गई है कि आप चीजों के हिस्से करें, जो कि हमने आधुनिक दुनिया के साथ किया है, हर नई आने वाली वैज्ञानिक जानकारी और तकनीक, सबसे पहले वो मिलिट्री में इस्तेमाल होती है। क्यों? मेरा देश बनाम आपका देश, मेरे पिता मेरा भगवान आपके भगवान से बेहतर है, मेरे पिता आपके पिता से बेहतर है। क्योंकि एक बार ये बंटवारा हुआ और आपको शक्ति मिल जाती है, तो कुल मिलाकर होगा ये कि भद्देबन को बढ़ावा मिलेगा। तो शिक्षा से पहले पहली चीज है ब्रह्मचर्य। So for 12 and a quarter years, these were synchronized with the solar cycles, which are for approximately 12 and a quarter years. इसलिए 12.5 साल तक ये सौर चक्रों के साथ तालमेल में होते हैं, जो लगभग 12.5 साल का होता है। हर सौर चक्र पर आपके जीवन का चक्र बदल जाना चाहिए। पहले 12.5 साल बाल्यावस्था है, जब आप उसे पार करें तो दूसरी शिक्षा और अनुशासन की होती है। उसे पार करने पर 24 साल की उम्र में आप ये तय करते हैं कि आप परिवार में रहकर सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं या आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं। आपका चुनाव है, सामाजिक मजबूरियों से नहीं, हर व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार। अब अगर आप इस तरह से बने हैं कि विपरीत चीजें आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, तब आप एक व्यवस्थित तरीके से उसे संभालते हैं, आपकी शादी और बच्चे हो जाते हैं, ये और वो होगा। अगले 24 सालों तक आप गृहस्थ आश्रम में हैं, नहीं तो 24 पर आप सन्यासी बनना चुनते हैं, ये तय होता है। एक समय ऐसा था जब 30% भारतीय आबादी सन्यासी बनने का चुनाव करते थे, 70% लोग गृहस्थ बनना चुनते थे, जो अपने आप में एक अच्छा जनसंख्या पर नियंत्रण था। तो 48 की उम्र में आप गृहस्थ आश्रम से बाहर आ जाते हैं। ये जा चुका है ना, क्या आप इसे छोड़ सकते हैं? अगर आप इसे छोड़ते हैं तो यह तलाक होता है, और तुरंत ही आप किसी और को पकड़ रहे होते हैं। दूसरा, मकान बदलते हैं, उस ढांचे को नहीं छोड़ते। तो 48 पर आप 12 साल के लिए संन्यास लेते हैं, तो परिवार के ढांचे को छोड़ते हैं, क्योंकि अगर 24 साल की उम्र में आपकी शादी होती है, तो जब तक आप 48 के होते हैं, आपके बच्चे 20 साल के ऊपर के होते हैं। हो सकता है वो इसे शब्दों में बोल ना पाए, पर वो आपको बाहर चाहते हैं, या वो बाहर जाना चाहते हैं, या आपको बाहर चले जाना चाहिए। इन दिनों आप चुन रहे हैं कि वो बाहर जाएं, अमरीकी तरीका। लेकिन भारत में माता पिता बाहर जाने का चुनाव करते थे। जब बच्चे 20-21 साल की उम्र को पार करते थे,
माता पिता बाहर चले जाते थे, ऐसा करना समझदारी है। तो पति और पत्नी जो 24 साल तक साथ रहे, उन्होंने खुद को अलग कर लिया, सचेतन रूप से। इसलिए नहीं कि उनके बीच कोई झगड़ा हुआ, खुद को सचेतन रूप से अलग कर लेते हैं। और ऐसी संस्थाएं होती थीं जहां लोग अगले 12 साल तक अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए प्रयास कर सकते थे 60 की उम्र में। अब 12 साल की आध्यात्मिक साधना के बाद, जीवन के अनुभव को देखने के बाद, अब वो फिर से वापस आते हैं। पहली बार उन्होंने शारीरिक और भावनात्मक लालसाओं के लिए शादी की थी, इस बार उन्होंने पूरी तरह एक अलग कारण से फिर से शादी की। 60 पर एक शादी होती है। आज भी लोग एक चीज को बनाए हुए हैं, वो एक साथ रह रहे हैं और फिर से शादी कर रहे हैं। नहीं नहीं, सिर्फ तभी जब आप 12 साल के लिए बाहर जाएं और फिर से वापस आएं जागरूकता से। पहली बार जब आपकी शादी हुई थी, आप सचेतन नहीं थे, कुछ मजबूरियों की वजह से आपने शादी की थी। अब आप सचेतन रूप से ये कर रहे हैं। वो साथ आए और फिर वे वानप्रस्थ में गए, अपने बच्चों या पोते पोतियों के साथ रहने के लिए नहीं, उनसे विदा लेकर, आशीर्वाद देकर जंगल में जाना और जीना। यही जीवन की व्यवस्था थी, जो जीने का बहुत बुद्धिमान तरीका था। खैर, आप ठीक वैसा तो नहीं कर सकते, पर आपको जागरूक होना चाहिए। जिंदगी में अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग चीजें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। 60 का होने पर अगर आपके लिए वही चीजें महत्वपूर्ण हैं जो 18 में थीं, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में कहीं नहीं पहुंच रहे हैं ना। चीजों को बदलना चाहिए और आपको अपने बच्चों को भी ऐसा बनाना चाहिए जैसा कि ये है। अगर आप बस इतनी जागरूकता अपने बच्चों में ले आए, अभी वो जिस चीज से गुजर रहे हैं वो बस एक दौर है, ये सब कुछ नहीं है, तो वो इसे ठीक से चलाएंगे। पर क्योंकि उस पल में जब उनकी बुद्धि पर उनके हॉर्मोन्स का कब्जा होता है, तो वो सोचते हैं यही सब कुछ है। अगर आप उनसे कहें ये ठीक है, मैं भी इससे गुजरा हूं, तुम भी इससे गुजर रहे हो, ये ठीक है, ये बस एक दौर है, तो ये जिंदगी के अलग अलग पड़ाव हैं। बहुत कम उम्र में अगर वो इस ओर सचेत हो जाएं, तो वो इससे आज के बजाय कहीं ज्यादा बुद्धिमानी से निपटेंगे और लोग इतने मजबूर नहीं होंगे जितने कि वो हैं।